सबसे पहले तो मैं यह शुभकामना देना चाहता हूं कि नड्डा जी, आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी राज्य आते हैं, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराने में कामयाबी हासिल करें। इसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मित्रों, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भारत की राजनीति में जो आज यह ऊंचाई हासिल की है, आप जैसे निःस्वार्थी कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम करके पसीना भी बहाया है, आपने अपने जिस्म का खून बहाया है, उसके परिणाम स्वरूप आज हमारी यह भारतीय जनता पार्टी भारत के राजनीतिक क्षितिज पर सूरज की तरह चमक रही है। आदरणीय अटल जी, आदरणीय अडवाणी जी, डॉक्टर जोशी जी, ठाकरे जी जैसे हमारे बहुत सारे दिग्गज राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी को इस भारत की राजनीति में ऊंचाई देने का काम किया है। मैं सारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों का नाम इस समय नहीं ले सकता हूं, लेकिन सारे अध्यक्षों ने अपनी भूमिका किसी न किसी रूप में निभाई है। और मुझे याद है कि प्रारंभ से ही हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यह स्वप्न देख रहा था कि कब वह क्षण आएगा जब हमारी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर मिलेगा। 1996 का वह समय आया जबकि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारत की संसद की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर जो खड़ी हुई थी, थोड़े समय के लिए सरकार बनी थी लेकिन वह सरकार नहीं चल पाई। 1998 में फिर से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज होकर भारतीय जनता पार्टी आई और आपने देखा कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 6 वर्षों तक इस देश में हम लोगों ने सरकार चलाई। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता की यह ख्वाहिश थी कि हमारी पार्टी केवल भारत की संसद की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही नहीं बननी चाहिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हम वह क्षण देखना चाहते हैं जबकि भारत की संसद में उसे स्पष्ट बहुमत हासिल हो। 2013 का वह समय आ गया और आपने देखा कि 2013 में देश का जनमानस यदि किसी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था तो आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था। जनता की नब्ज को पहचानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया। मैं जानता हूं कि हमारी पार्टी के भी बहुत सारे दिग्गज नेता यह कहते थे हम 225 सीटें जीत सकते हैं, 250 सीटों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिरला ही ऐसा कोई कार्यकर्ता रहा हो जिसने यह कहा हो कि हमको 2014 के चुनाव में हमको स्पष्ट बहुमत हासिल होगा। लेकिन हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का ऐसा करिश्माई नेतृत्व था बहनों भाइयों कि आपने देखा कि पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी ने भारत की संसद में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत हासिल करके सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। 5 वर्षों तक कैसी हमारी सरकार चली है इस संबंध में किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। 5 वर्षों तक सरकार चली, उसी भी हमारे अमित भाई शाह 2014 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और अमित भाई जी शाह, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं, आपके नेतृत्व में लगातार 5 वर्षों तक जिस तरीके से पार्टी ने काम किया है, जिस तरीके से आपने पार्टी को भारत की राजनीति में ऊंचाई दी है वह अविस्मरणीय रहेगा, उसे कभी कोई भूल नहीं सकता। और आपने देखा कि 2019 का चुनाव जिसमें कि यदि 2014 में 282 सीटों पर हमको विजय प्राप्त हुई थी तो इसी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 303 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी
आगे बढ़ती जा रही है बहनों भाइयों, और जन अपेक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार इस समय काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है जिस जेपी नड्डा जी को हम लोगों ने चुना है वो हमारे और आपके बीच के हैं। वर्षों से मैं जानता हूं, लगातार आम कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, उन्होंने भी अपने जिस्म का पसीना बहाया है। जहां तक उनके स्वभाव का प्रश्न है, हर कार्यकर्ता यह कहता है कि हमारे आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी मृदुभाषी हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, और साथ ही मिलनसार ही नहीं कुशल वक्ता भी हैं, लेकिन निर्णय लेने की जहां पर आवश्यकता होती है दृढ़ता से निर्णय लेने में भी हमारे जेपी नड्डा नहीं चूकते हैं। ऐसे जेपी नड्डा जी इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मैं आप सबसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, यहीं से नहीं वहां से भी आपकी तरफ से भी एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर जेपी नड्डा जी को हार्दिक अभिनंदन किया जाना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ेगी, और इस बार तो मोदी जी के नेतृत्व में हमने 303 सीटें प्राप्त की हैं। आगे का लक्ष्य मैं जानता हूं कि इससे भी बड़ा हासिल करने में नड्डा जी को विजय प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी तरफ से और आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से जेपी नड्डा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्हें मैं अपनी तहे दिल हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।